शुभमन, आपके क्रिकेट के बारे में या आप लगा लें आपकी जर्नी के बारे में अभी इतना लोगों को नहीं पता, तो हम सब जानना चाहेंगे कि ये आपकी 8 साल की 9 साल की, जब से आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया है तब की कैसी स्ट्रगल रही है और आपने कैसे 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 अचीव किया और आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आपने क्रिकेट शुरू करी। इसलिए मेरे पापा को काफ़ी शौक था क्रिकेट का, तो वो देखते रहते थे टीवी पे। तो मैं 3-4 साल का था तो मुझे भी वो देखते थे तो मैं भी देखने लग जाता था। और जब कोई भी बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता था, जो भी वो शॉट मारता था उसको इमिटेट करने की कोशिश करता था। तो फिर जैसे पापा चले गए, उन्होंने 2-3 बार ऐसे देखा कि मैं अब खुद ही लगा हुआ हूँ 3-4 साल का, और बिल्कुल परफेक्ट नहीं बट अच्छे से इमिटेट कर रहा हूँ उस बैट्समैन को। फिर जैसे सामने दीवार होती थी उस पर बॉल मारता था और वो बॉल वापस आती थी और जैसे खेलता रहता था सामने। तो वो जो स्ट्रीक होती थी कि बिना बॉल इधर उधर नहीं जानी चाहिए, वैसे ही आ रही है और मैं मार रहा हूँ, फिर वो आ रही है और मार रहा हूँ। तो ऐसे उन्होंने देखा कि ये तो ठीक ठाक खेल रहा है और उनको काफ़ी इंटरेस्ट था खुद भी क्रिकेट का। तो फिर उन्होंने देखा कि यार इसमें इसमें भी 3-4 साल का है, जनरली वॉक करना या भागना शुरू करता है बच्चा, बट मैं तब जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो उनको लगा कि इसमें है कुछ, मे बी ये बन सकता है। और क्योंकि उनमें खुद बहुत इतना ज़्यादा शौक़ था तो उन्होंने वहाँ पर जो हमारे जैसे गाँव में काम करते थे वहाँ पर जो सीरी होते हैं काम करने वाले उनको बोलते हैं, हाँ जी, उनको बोल देते थे कि आ जाओ कि थोड़ा बॉल डालो, तो उनको खेलता था मैं काफ़ी देर। फिर वहाँ से हम, जब मैं 7 साल का था फिर चंडीगढ़ आए क्योंकि वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। फिर चंडीगढ़ आए। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं झालाबाद के पास हमारा गांव है चाकखेड़े वाला, वहाँ से। ओके। फिर वहाँ से मोहाली आए। मोहाली में पता लगा कि अच्छा ये अकेडमी होती है। पहले तो कोई रूट नहीं पता था, बस ये पता था कि खेलना होता है। फिर पता लगा कि पहले डिस्ट्रिक्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट के पहले उसके ट्रायल होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के प्रोबेबल्स निकलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट होती है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करता है फिर स्टेट होती है, फिर ऐसे ऐसे आगे होती है। तब मतलब सोचता था तो लगता था कि यार पहले डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करना है, फिर स्टेट में करना है, फिर इंडिया के प्रोबेबल्स में आना, ये एज ग्रुप की, उसके बाद फिर हर एज ग्रुप में ऐसे करते रहना, फिर जाके इंडिया में कहीं चांस मिलेगा। बट तब एक जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उस टाइम लगती है कि जो 19 इंडिया में अच्छा करता है उसको जल्दी चांस मिल जाता, नहीं तो क्योंकि अगर रणजी ट्रॉफी वाला दो रास्ते हैं, या तो रणजी ट्रॉफी से आप करके जाओगे, हाँ, या 19 इंडिया में जिसने बहुत अच्छा किया। तो वो लगता था कि अगर 19 इंडिया में अगर अच्छा हो जाए तो फिर आगे इंडिया के लिए खेलने में जल्दी मौका मिल सकता है, हाँ। क्योंकि रणजी ट्रॉफी वाला काफ़ी वो बहुत पेशेंस वाला रास्ता है, क्योंकि काफ़ी साल लोग अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं, क्योंकि 19 में थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, तो उधर से थोड़ा होता है कि अगर यहाँ पे अच्छा हो गया तो मे बी आगे हो सकता है। बिल्कुल। और IPL ने भी अभी, तब IPL भी काफ़ी, हाँ जी, वो जो एक गैप था डोमेस्टिक क्रिकेटर से इंटरनेशनल क्रिकेटर के, जो उसमें पहले सीधा डोमेस्टिक से जो इंटरनेशनल जाता था वो काफ़ी बड़ा गैप होता था, बट IPL ने वो गैप काफ़ी कम कर दिया। और जैसे जैसे आप खेलते जाते हो, परफॉर्म करते रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्स में सबसे मेन चीज़ आपको अपने आप पे कितना विश्वास है, सब आपको अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और जैसे जैसे आप खेलते रहते हो और कॉन्फिडेंस, लोग बात करते हैं कि यार वो जितनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करोगे आप, तब तक आप खुद पे बिलीव नहीं कर सकते, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा उसके लिए। तो जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हो उसके लिए कॉन्फिडेंस आता है, फिर धीरे धीरे आगे आपको दूसरे रास्ते दिखते हैं कि ये भी कर सकता हूँ।